गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज मैंने 2-3 दिन पहले ही कुछ अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो मुझे ऑरिक ब्रांड का डोसा और इडली बैटर चाहिए था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करके कि कैसा आया है ये। तो दोस्तों ये इस तरीके के एक बॉक्स में आता है। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। एक्चुअली मैंने 3 प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने मंगाया है ठंडाई का, और साथ ही साथ मैंने मंगाया है डोसा और इडली का प्रीमिक्स, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये देखिए, ये है ऑरिक ब्रांड की ठंडाई, इसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी। और ये है डोसा मिक्स, देखते हैं आज ये कैसा बनेगा। ये है मल्टी मिलेट डोसा, ये 200 ग्राम का पैकेट आता है और ये 7 से 8 लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। ऐसे ही ये इडली का मिक्स है, ये भी 200 ग्राम का पैकेट आता है और ये 7 से 8 लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। तो छोटे से एक पैकेट में आप पूरे परिवार के लिए पूरा एक टाइम का मील बना सकते हो। तो गाइस फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा मल्टी मिलेट डोसा प्रीमिक्स। ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें है गुडनेस ऑफ 3 मिलेट, और इसकी बेस्ट बात ये है कि इसमें कोई भी एडिड फ्लेवर नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ये प्रिजर्वेटिव्स फ्री है, और साथ ही साथ इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है। तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों जिन लोगों को मतलब डोसा खाना पसंद हो, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है डोसा खाना, बट उसमें जो मेहनत होती है ना वो मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे जैसे जो आलसी और लेजी लोग हैं ना, उनके लिए डोसा प्रीमिक्स बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ 15 मिनट में आपका डोसा बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले हम सेकेंड प्रोडक्ट अपना देख लेते हैं। तो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है ये ऑरिक का मल्टी मिलेट इडली मिक्स। अच्छा, ये जो इडली प्रीमिक्स है और डोसा प्रीमिक्स है ना, इसमें बेस्ट बात ये है कि इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आपको बैटर बनाना है दही और पानी डालकर, और इसमें ना ही आपको नमक भी डालना है क्योंकि नमक भी इसमें पहले से ही एडिड है, और ना ही आपको कोई इनो कुछ भी नहीं डालना है। तो भैया मैं तो आज इन्हीं दोनों से लंच बनाने वाली हूँ, तो चलिए देखते इसे बनाना कैसे है। भाई अब डोसे में जितना ज़्यादा ज़रूरी सांभर होता है ना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होती है चटनी। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, 7 से 8 लहसुन की कलियां डाल देंगे, और 1 प्याज मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना, वो डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, अपने स्वादानुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये देखिए इसमें हम डालेंगे भीगी हुई चने की दाल। मैंने चने की दाल को लगभग आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, वो इसमें डाल दूंगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग आधा कप के करीब, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और इसको ढक के 10 मिनट तक पकने देंगे, जब तक हमारी दाल सॉफ्ट नहीं हो जाती है। ये देखिए 10-12 मिनट हो चुके हैं, हमारी दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद ही इसे पीसना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब गरम-गरम चीज़ को पीसने लग जाते हैं तो वो स्टीम बन जाती है और एकदम से ढक्कन खुल जाता है, एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। ये लीजिए हमारी बढ़िया से चटनी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। अब चलिए अब इस पर थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं अपने करी लीव्स और कश्मीरी लाल मिर्च और सरसों के दानों का। ये लीजिए चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए अब डोसे का बैटर तैयार करते हैं। तो भाई आज हमें ना कोई दाल भिगोनी है, ना चावल भिगोना है, सीधा पैकेट को कट करना है इस तरीके से। और आप देखेंगे इसमें जिपलॉक बैग होता है, ये जिपलॉक बैग की तरह आप इसे यूज़ करने के बाद दोबारा से जिपलॉक करके फ्रीज़ में रख सकते हो। अब मैं 2 टेबलस्पून के करीब आटा लूँगी, ये जो हमारा प्रीमिक्स आटा है डोसे का, उसे एक बर्तन में डालेंगे। और इसमें जितना हमने आटा लिया है उतना ही हम दही लेंगे। दही और जो प्रीमिक्स है उसका रेशो 1:1 होगा, दोनों चीज़ों को बराबर डालना है। और थोड़ा सा पानी डालना है हमें, अपनी कंसिस्टेंसी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें रिबन जैसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छे से विस्कर से हम इसे मिलाते जाएंगे। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए। अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। साथ ही साथ हम इडली का भी बैटर तैयार कर लेते हैं, ताकि दोनों को हम एक साथ रेस्ट के लिए रख दें और हमारा टाइम भी बचे। तो देखिए ये है हमारा इडली प्रीमिक्स का पैकेट। सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे और देखते हैं इसमें किस तरीके का प्रीमिक्स आया है। तो इसमें भी हमें पाउडरी फॉर्म में ही इस तरीके का प्रीमिक्स मिला है। मैं आधा कटोरी निकाल लूँगी, आधा कटोरी प्रीमिक्स से आज मैं इडली बनाऊँगी। तो हमने आधा कटोरी प्रीमिक्स को डाल लिया है एक बर्तन में और साथ ही साथ उसके साथ साथ हमने आधा कटोरी ही दही डालनी है, यानी कि 1:1 की रेशो में ही हमें ये लेना है। इस प्रीमिक्स में आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, दही से ही आपका काम हो जाएगा। और इसको भी ढक के रख देंगे। ये वाला प्रीमिक्स जो है ना वो डोसे के प्रीमिक्स से थोड़ा सा थिक होता है। तो चलिए अब कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, ऊपर से छलनी रख के और ढक्कन लगा देंगे ताकि हमारी कढ़ाई में अच्छे से स्टीम बन जाए। और कटोरी को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल लगाकर। आज हम इडली कटोरी में बनाएंगे। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड से भी इडली बना सकते हो। आप देखिए इडली का बैटर कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब कटोरी में 2 से 3 चम्मच हम बैटर डालेंगे। और कढ़ाई में हमारी स्टीम बन गई है। अब हम अपनी कटोरियों को स्टीम होने के लिए रख देंगे। मैंने कढ़ाई पे ढक्कन लगा दिया है और अब मैं 10 मिनट तक इन्हें स्टीम होने दूंगी। 10 मिनट बाद आप देखेंगे, देखिए इडली कितने अच्छे से फर्मेंट हो गई है। आप फोक से या फिर चाकू से चेक कर सकते हो, अगर वो क्लीन निकल रहा है तो इडली हमारी पक चुकी है। तो चलिए अब डोसा बनाना भी शुरू करते हैं। तो डोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले तवे को गर्म कर लेंगे और उसके बाद गैस को बिल्कुल लो करके उस पर पानी के छींटे लगाएंगे ताकि तवे का टेम्परेचर ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम तवे पे बैटर अगर हम डालेंगे तो वो अच्छे से फैलेगा नहीं। अब हम बैटर लेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब और उसको इस तरीके से सेंटर से गोल गोल करते हुए फैलाएंगे और बिल्कुल पतला बैटर फैला लेंगे। अगर आपका तवा ठंडा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, तो आपका बैटर नहीं चिपकेगा फैलाते टाइम। ये देखिए मैंने बैटर को अच्छे से फैला लिया है। अब कुछ सेकंड बाद जब ऊपर से बैटर सूखने लग जाएगा तो मैं उस पर घी डाल दूंगी और घी को हम इस तरीके से तवे को टेढ़ा करके अच्छे से फैला लेंगे। अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा रेड होने लग जाएगा। तब हम इस पे अपनी स्टफिंग रख देंगे। ये देखिए नीचे का पोर्शन हल्का हल्का रेड होने लग गया है, यानी कि डोसा हमारा नीचे से सिक गया है अच्छे से। और ये देखिए डोसे का कितना बढ़िया कलर आया है और सच में डोसा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो डोसा हमारा बन के रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छे से आसानी से ये फैल गया था और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो हम इसे सर्व करेंगे अपनी चटनी के साथ जो हमने अभी बनाई थी और साथ ही साथ सांभर के साथ। और ये देखिए इडली भी हमारी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनी है। इसे भी हम अपने सांभर के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको सांभर की भी रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ सांभर की भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये लीजिए हमारा डोसा और इडली की प्लेटिंग बिल्कुल लग चुकी है। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी टेस्ट की। सबसे पहले इडली टेस्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा स्पंजी भी बनी है। तो ये आ गई हमारी डोसे की प्लेट। डोसा सच में बहुत ही बढ़िया क्रिस्प बना है और साथ ही साथ टेस्टी भी बहुत है। अपनी चटनी भी चेक कर लेते हैं कैसी बनी है। आप ये चटनी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी ये चटनी की रेसिपी। और अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइज़ आते हैं इसके फाइनल रिव्यू पे। सो गाइज़ इडली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी और सच में बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी भी थी, एकदम मुंह में जाते ही घुल जा रही थी। और रही बात डोसे की, तो डोसा इतना बढ़िया टेक्स्चर आया था ना उसका, बिल्कुल जैसा मार्केट में होता ना वैसा ही डोसा क्रिस्प बना था और उसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। साथ ही साथ खाने में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ही, क्योंकि ये मिलेट डोसा है ऑफकोर्स। तो मुझे तो दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। अगर आप भी इन्हें मंगाना चाहते हो तो amazon पे आप इजीली इन्हें फाइंड कर सकते हो। और amazon का लिंक और साथ ही साथ ऑरिक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ चेकआउट करना ना भूलिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।